ए टेलीफोन महाराज, हमारे देश में तुम्हारी हालत बहुत खराब है, मगर यहाँ कभी डेड मत होना और ना ही कभी रॉन्ग कनेक्शन करना। मेरी कमाई का जरिया सिर्फ तुम हो, तुम गए तो मैं भी गया। जय हो भारतीय टेलीफोन निगम की। शुभ मुहूर्त पर शुभ घंटी बजी है। हेलो धर्मेंद्र, मैं मेजर रंजीत बोल रहा हूँ यार। हेलो मेजर साहब, कैसे हैं आप? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, मगर तू मेरे पैसे कब लौटा रहा है? मेरे 10,000। हेलो मेरे पैसे कब? हेलो मेरे हेलो 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 मैं हेलो मैं हेलो मैं हेलो मैं मुहूर्त वाले दिन सबसे पहले इसी का फोन आना था। भाई साहब क्या है, निकलो यहाँ से। मुहूर्त वाले दिन तुम सुबह ही भीख मांगने आ गए? मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ। अरे मेरे मोबाइल की बैटरी वीक हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे बूथ से मुंबई एसटीडी करने आया हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, ग्राहक तो भगवान होता है, भिखारी नहीं होता। आओ अपने इन भीख मांगने वाले हाथों से इसका मुहूर्त करो करो करो। साइड। हेलो। हाँ बोलो भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते, पर्सनल है? वो महालक्ष्मी मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर जो भिखारी अंधे की एक्टिंग कर रहा है वो मेरे मामा है, जरा उसको बुलाइए। तुम लाइन में रहो, मैं बुलाता हूँ। ठीक है साहब। अरे ये फोन रख के कहाँ जा रहे हो? उसने लाइन में खड़े रहने को बोला। ये फौजी यहाँ कहाँ से आ गया? अपना 10,000 मांगने आया होगा, इसने मुझे देख लिया तो छोड़ेगा नहीं। कौन है? धर्मेंद्र है जी, वो बाहर गए हैं दर्जी के पास लेकर और बंदी का नाप लेने। आप कौन है? मैं धर्मेंद्र की छोटी बहन कम्मो बोल रही हूँ। आप जरा बाहर आएंगी? बाहर ना बाबा ना, पराए लोगों के सामने आने के लिए धर्मेंद्र भैया ने मना किया है। कहते हैं मर्दों की नजर ओछी हो गई है, नजर कहीं होती है निशाना कहीं और, मैं नहीं आती बाहर। आप घबराइए मत, मैं नजर और निशाना एक ही जगह पे रखूंगा। फौजी हूँ, बैलेंस मैन वाला। ना बाबा ना, खूबसूरत लड़की को देखकर बड़े बड़े अनबैलेंस हो जाते हैं। शाम को भैया आएंगे, आपको जो कुछ कहना है उन्हीं से कहना। ठीक है तो मैं शाम को आ जाऊंगा। बाय बाय बाय। लगता है उल्लू बना दिया, शाम को मिलूंगा ही नहीं, एसटीडी बंद करके निकल जाता हूँ मैं। हाँ एक्सक्यूज मी, कौन है जी? मेरा नाम चंपा है, सुना है आपको एक खूबसूरत और जवान ऑपरेटर की जरूरत है। आप जवान और खूबसूरत दोनों हैं? जी इत्तफाक से, भरतपुर के जवान लड़के मुझे सपने में देख के जाने क्या क्या करते रहते हैं। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। चंपा, चंपा कहाँ है? ये रही आपके सामने। क्यों बे, तू मुझे क्या बेवकूफ समझता है, उल्लू का पट्टा समझता है? अबे मैं तेरे से बड़ा नौटंकी बाज हूँ, चल पैसे निकाल। अभी नहीं है, टेलीफोन बूथ पर खर्च हो गए। तुम ऐसा करो इस महीने की 35 तारीख को आ जाना। अगर 35 तारीख तक तूने पैसे नहीं दिए तो मैं ये सब तोड़ फोड़ के फोन उठा के ले जाऊंगा, याद रखना। हाँ नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 35 तारीख? अब एक बात बता, इस गांव में कितने दिन का महीना होता है? ए तुम, अरे यार तुम मेरी बात का जवाब सामने वाला वो नहीं। हाँ वो साथ वाली खिड़की आपसे। अच्छा नहीं यार, 35 तारीख रुको ना यार। अरे तुम भाई, तुम 35 तारीख कहाँ है तू बोला? हाँ तुम काका, काकी कैसी है? हाँ उनसे कहना मैं दिवाली पर आकर मिलूंगा, और अगर उनको पैसों की जरूरत हो तो मुझे टेलीग्राम कर दे। अबे मेरे पैसे, एक मिनट। हाँ टेलीग्राम कर दे, मैं उनको मनी ऑर्डर भेज दूंगा। काकी को मेरा प्यार देना। ओके बाय बाय टाटा सी यू। एक बात बता, ये तेरा काका तुझसे बात करते वक्त इतना कंफ्यूज क्यों था? काका काहे का काका, मैं तो इसको जानता भी नहीं, मैं तो उंगली कर रहा था। ये साले लड़ झगड़ के बस पे चढ़ जाते हैं और फिर धक्का मुक्की करके खिड़की वाली सीट पर कब्जा करके सो जाते हैं, साले सुस्त मुर्गे। अब ये सारे रास्ते परेशान रहेगा ये सोच सोच के कि खिड़की पर सर मारता रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं इसे कहाँ मिला था, मेरा इसके साथ कैसा रिश्ता है, वगैरह वगैरह। एक बात बता, ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है?
मजा आता है। मजा आता है तो 35 तारीख कभी आएगी, मेरा पैसा कभी आएगा। वो आ गई मैं नहीं, नहीं आपने वो आपको बुला रहे हैं। नहीं भाई साहब आपने बहन जी आपने आप ही नहीं आ, वो ये आपको बुला रहे हैं। नहीं, 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 पीछे वाला आ। सुनो सुधर देखो क्या क्या रे कैसा है। अरे बड़े भाई कैसे हो, भाभी कैसी है, ठीक ठाक है ना। उनसे कहना कि तेल खरीद के रख ले, दिवाली में दिया जलाने के लिए मैं आ रहा हूँ। सुन रहे हो ना, दिन को रंगीला देखेंगे, रात में दिवाली मनाएंगे, 1 लीटर दारू पिएंगे, क्या ओके बाय चिरियो। क्या तेरा भाई था वो? अरे काहे का भैया, उसको कोई काम नहीं है, आने जाने वालों को बेवकूफ बनाता है, आज मैंने बेवकूफ बना दिया। एक बात बोलूं, तू सबको उंगली करता है, वो तुझे उंगली कर गया। अरे काहे की उंगली, मेरे बचपन का दोस्त था, स्कूल में साथ पढ़ते थे हम। बचपन का दोस्त है, मेरे बेटे की उम्र का है। अरे वो तो एक ही क्लास में बहुत बार फेल हुआ था ना, इसलिए बड़ा ही नहीं हुआ, समझे। दूसरा बोरी देना चल। एक दो तीन चार। मुझसे कहते थे सब कुछ मेरे हाथ में है, मालिक बैठकर काम करता है तो हम लेट कर काम करते हैं, यही काम करते हैं। सात बस कीजिए, मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। आप क्या समझते हैं, आपसे आपसे इस तरह काम करवा के मैं कलेक्टर बन सकती हूँ? बस बस रहने दीजिए। राधा तुम तो जानती हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, इसके सिवा और काम भी क्या कर सकता हूँ, फिर तकलीफ तो हमारी तकदीर है। इंसान तजवीर करे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। अगर तुम यही काम करना चाहते हो तो एक पुरानी बस खरीद लो, तुम चलाना भी जानते हो। पैसे कहाँ से लूंगा, जिसके पास बस में चलने का किराया नहीं हो वो बस कहाँ से खरीदेगा। पैसे मुझसे ले लो। नहीं नहीं नहीं। अरे भाई कर समझ के ले लो, आ जाए तो लौटा देना। और नहीं आया तो? बचपन से दुखों का इतना बोझ उठाया है कि अब और बोझ उठाने की हिम्मत नहीं रही। देखो हीरा, मैं तुम्हें अपना समझ के हाथ बढ़ा रहा हूँ, अगर तुम मुझे अपना समझते हो तो हाथ मिलाओ। ठीक है फिर, मेरा यहाँ रुकना ही बेकार है, तुम मुझे अगर समझते हो तो मैं चलता हूँ। अरे अंकल रुकिए। अंकल ठीक कहते हैं, ये पराए नहीं है, इनसे कर्ज लेकर बस खरीद लीजिए, सूद के साथ लौटा देंगे। अरे क्या लेकिन लेकिन, चलो चल के बस खरीदो। भाइयों और भाइयों, आज तक आप लोगों ने केवड़ा ठाकुर की बसों में सफर किया है, अब ये बस ना डिलक्स है ना लग्जरी, लेकिन फिर भी इसमें आपको एयर कंडीशन बस का मजा आएगा। पूछो कैसे, कोई पूछता नहीं यार। अरे पूछो ना कैसे। वैसे कि इस बस में हमने जो कंडक्टर रखा है वो रखा नहीं है, रखी है, एक फुलझड़ी है, उस फुलझड़ी का नाम है करिश्मा। बिना दिल की धड़कने करिश्मा टिकट बांटो। कहाँ की काटू? अजी आप कहाँ कहाँ की काट सकती हो? ए इडियट, ये बाल नहीं काटती, टिकट काटती है। टिकट अलीबाग। अलीबाग का तो सिर्फ 2 रुपए का टिकट होता है यार। अरे अलीबाग जाकर क्या करोगे? अलीबाग में मेरा घर है। और घर जाकर रोज की तरह बीवी की मार खाएगा। इससे अच्छा है करिश्मा के साथ सफर का मजा लो, झूमरी तलैया जाओ, वापसी में अलीबाग में उतर जाना, अलीबाग के 2 रुपए और झूमरी तलैया का 20 रुपया। ऐसा क्या, ये लो 20 रुपए। तुम्हारी कहाँ की? अलीबाग की।
लेकिन झुमरी तलैया से वापसी में उतरूंगा। झुमरी तलैया 30 रुपए निकालो। 30 रुपए? 30 रुपए क्यों? दूसरी बस वाले तो 20 रुपए लेते हैं, तुम 30 लोगे? अरे दूसरी बस सिर्फ डीलक्स होती है, हमारी बस सुपर डीलक्स है। वो देखो हाँ, तो कैसी है सुपर डीलक्स? बहुत अच्छी है साहब, बहुत अच्छी है। ठीक है 30 रुपए निकालो। 30 रुपए क्या साहब, मैं तो 50 दे सकता हूँ। ये लीजिए, ये लो टिकट, कल आ जाना। कल? और नहीं तो क्या, अभी ये लोग बेचारे कल रात से लाइन में खड़े, अभी इनको टिकट मिला इसलिए बस में जा रहे हैं। उधर देखो ये कल के एडवांस के लिए अभी से लाइन में खड़े हुए। मगर ऐसे कैसे हो सकता? अरे नहीं हो सकता, तो पैसे वापस दो। मैं कल आ जाऊंगा। अरे बस वाले बाबू, मेरा भी टिकट काट दो। कहाँ जा रहे हो? टिकट काउंटर यहाँ है भैया, यहाँ है। इधर है, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूँ ना। अरे तो तुम काहे को बस में चढ़ रहे हो भैया? तुम्हारे जैसे लोग बस के ऊपर नहीं चढ़ते, बस तुम्हारे ऊपर करती है। जाओ जाके बस के नीचे लेटो। दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ? छूकर मजा तो ले सकता हूँ ना। आदमी है पेरिस लेडी कंडक्टर कहाँ है? अरे 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 रॉन्ग नंबर। किसने कहा था टिकट काटने के लिए लड़की रखने को? इस तरह पैसेंजर बढ़ जाते हैं। अगर बस में कोई चढ़ नहीं रहा था तो खड़े रहने देते उसे। इस बस कंपनी को मैंने अपने पिताजी का नाम दिया है, अपने आप को डुबा सकता हूँ उनके नाम को नहीं। ले जाइए रुपए और जिन जिन से लिए उनको वापस करके आओ। अब बस मैं चलाऊंगा और कैसे चला जाती मैं अच्छी तरह जानता हूँ।